डॉग इस नाली के अंदर है कहीं ना कहीं ना, हमने उसे दिन में देखा था। दिन में वो कुछ 12:30 के अराउंड अंदर घुसा था, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूस चेक रख रहे थे तो बदबू भी आ रही है अंदर से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि शायद अंदर ही हो। यहीं पे पैदा हुआ, सारे जानते हैं उसको, सारे बहुत लव करते हैं उसको, लेकिन अब जब बीमार हुआ है तो मतलब ऐसा है कि सारे उससे दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो स्मेल आ रही है। स्ट्रीट डॉग्स के साथ ही फाइट हुई होगी और वो काटा था, तो उसके बाद वो किसी ने दवाई वगैरह तो क्या लगाई उसको, वो जख्म पड़ गए वहाँ पे। बैठा हुआ है भाई, दिख नहीं रहा ना अंधेरे में, कुछ तो दिख रहा है, कुत्ता हो या पत्थर, कुछ तो दिख रहा है। इस पॉइंट पे कम से कम दिखो, थोड़ा सा आगे जाएगा। नहीं नीचे रहे मिल जी। हाँ हाँ, कैसे निकलेंगे उसको देख, बार देखते हैं दिख जाए ना तो प्रॉपर है कि नहीं। अच्छा अभी तक नहीं देखा इस पॉइंट में, चाचा की दुकान लेकर दिखा। वो बैठे हैं, वो है काले कलर का ना, काले कलर का है काले, काले में नाम है उसका। 10-15 कुछ पाइप पिया बांस नहीं मिलेगा ना, कितना कर रहा है उसे तो हिला के ऐसे करो ना, ग्लव्स डाल लो ग्लव्स अंदर जाएगा कौन, हमारे से पतली नाली है ना। हां जाल लाया दिल्ली रहा नहीं, वैसे एक्टिव है। अच्छा वैसे उठ नहीं रहा वैसे, अरे बांस का टुकड़ा है कुछ पाइप। पाइप पूरी लग टच हो रही, उठ नहीं रहा बोतल। आवाज आ रही है, आलू बाहर आ जा, बच्चे बुला रहे तेरे को, आ जा बाहर। तो सामने पास हां स्मेल आ रही है अब, वो है ना। हां आई ना, हो जा रही है। कालू आ जा, बाहर आ अंदर क्यों रो रहे तू। अरे कुछ करेंगे किधर है तू? ये क्या है? राइस है। मुंह में पड़ गया है ना? मुंह में कैसे लाने पड़ गए तेरे? ये तो निकालने पड़ेंगे रविंदर जी। क्या? बाबू उठ। मेरे देखो। फोर्सअप ले लो, फोर्सअप ले लो। ये मुंह में आया, मैं उसके डाल सकता हूँ? कोटो में थोड़ा डिप करके एक मिनट रख के फिर निकाल देता हूँ। इसको ना एक बार थोड़ा बॉडी में भी डाल देंगे ना दीमा, क्योंकि जगह जगह नाली से आया ना, जगह जगह मक्खी बैठ रही है। टिम्बक टू आज रिलीज कर रहे हैं हम आज, जल्दी रिकवर हो गया, आज हम इसको रिलीज कर रहे हैं। क्या बात है, टिम्बक टू को हम आज अपने इलाके में जाना है। अब क्योंकि हर रेस्क्यू पे विक्की या वेनु ही जाते हैं और बाकी की मीडिया टीम पीछे रह जाती है, तो अब की और विक्की अपनी गाड़ी में बाकी की टीम को रेस्क्यू पे लेके गया।
यार जहाँ तक जितना मैंने इनकी बातों में सुना ना, मेरे ख्याल से तार फंसी रही, मतलब वायर ट्रैप काइंड ऑफ केस, ये नहीं पता कुछ भी, मेरे को वहाँ आइडिया नहीं है, ये भी तुक्का लगा रहा हूँ कि तार ही फंसी थी या कोई पट्टा वट्टा था। कांटे वाली तार से कट गया बेचारा, आज कोई 4-5 दिन हो गए। तो जो तार है गले में फंसी हुई है अभी भी? नहीं, तार निकाल गई है। हमारे स्टार रेस्क्यूअर कुल्लू भाई आ जाए कुत्ता पकड़ने, अभी वो मुआयना कर रहे हैं। मुआयना कितना अंदर है? पास में, दूर है? पास में। अच्छा, नेट कुणाल भाई डालेंगे, आप डालोगे? कुत्ता बांध के रखा भाई, कुत्ता बांध के रखा, नेट डालना ही नहीं है, कामा का लिखे हिंदू। मैंने बोला पहले बेसिक से सिखाते हैं ना। अच्छा, एकदम कैसे वो पकड़ा दे। हाँ ये बात भी सही है, किसी बंदे को डाल दी फिर साहिब भाई देख के दलदल है। यार 4 दिन बाद दिखाया हमें, 4 दिन के बाद हमने आज दवाई फिर से बीटाडीन लगाई इसको। फिनाइल डाला ऊपर? फिनाइल तो पता नहीं किसने डाला, मैं तो बीटाडीन फेंकी हुई है। फिर गई भाई? हाँ वो तो कीड़े पड़ गए, देख आंखे देख खत्म है, दिख नहीं रहा इसको। इसको अभी हम पेन किलर दे रहे हैं और इसकी ड्रेसिंग करेंगे और फिर हम इसको फ्लूट लगाएंगे अभी ना DNS, क्योंकि ये काफ़ी वीक है और डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा है इसको। मैगेट्स भी है काफ़ी ज़्यादा। ये आप कह रहे थे इसको फिनाइल डाला है? स्मेल आ रही है मेरे को। ये क्या डाल रहा है? मेगासाइड कीड़ों के लिए। हाँ देखो वो हमको थोड़ी सी दिख रही है। हाँ चिन्नी चिन्नी सी दिख रही है। ब्लड तो वापस आया पहले जब वो थी तो सूखी पड़ी थी। सर बेटी मैं क्यों लगा रहे हैं? ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे, अभी क्यों स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है ना। कल हमारे एक रेस्क्यू है भीड़ में घोड़े का, है ना सिंह? क्या हुआ शायद उसको घोड़े को? बूंद है एक तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे और किसी ने छोड़ दिया उसको। तो सुबह 8 बजे निकलेंगे, कितनी दूर है यहाँ से? 3 घंटे में लगेंगे। इतना दूर क्यों जा रहे हैं हम रेस्क्यू करने? वो घोड़ा ना किसी ने अबेंडेड करा हुआ है, तो उस तरफ तो कोई घोड़े रखने वाला या बड़े जानवर का इलाज करता नहीं है ना। मेरे को लगता है कि वो परमानेंट रखना पड़ेगा हमें यहाँ ना। हाँ सेंचुरी में जाएगा, सेंचुरी में जाएगा। जिस दौरान हमारी रेस्क्यू टीम उस घोड़े को बचाने बीर पहुंच रही थी, उसी समय फार्म के नज़दीक कुछ पपीज़ को हमारी मदद की ज़रूरत भी थी। हमें अभी जाना पड़ेगा धनोटो में ही, मेन रोड पर एक छोटा सा पपी किसी ने अबैंडन किया हुआ है, अभी अभी उसके ऊपर से बस निकल गई ना। पपी सेफ है क्योंकि वो एकदम से सहम के नीचे ही बैठ गया था, लोगों ने वहाँ देखा तो फिर वो बताने आए थे, तो मेरे हिसाब से हम उसे यहाँ ले आते हैं अभी। भाई सोनू क्या करिए अकेले अकेले यहाँ पे? हाँ क्या करिए अकेले अकेले? गुड गर्ल है अपन तो, गुड गर्ल है। हमारे एरिया के तो पक्का नहीं है पपीज़, क्योंकि हमारे एरिया में सारे डॉग्स स्पे किए हुए हैं, वही रिलोकेट करके गया होगा। फीमेल है ना, फीमेल्स के साथ यही होता है ना बच्चों, कैसे छोड़ देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैंने अंकल से पूछा ना कि यहाँ पर और पपीज़ हैं क्या या इनकी मदर है क्या, उन्होंने बोला 2 पपीज़ हैं और कोई छोड़कर गया है, माँ नहीं है यहाँ पर करके, वो रहा दूसरा। गुड गर्ल और गुड बॉय। चले हाय पप्पी, हाय पप्पी, अरे 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 बस देखो इसको, बैठो चलो आपको खाने पानी ला के देते हैं। पप्पी पप्पी, हे पप्पी, तो दोनों मिलकर खा रहे थे। मिला गया संजीव ये घोड़ा? नहीं मिला। टी गार्डन वगैरह है ना, वहाँ होना कहीं ना कहीं बैठ। इस ठीक है, थैंक यू। ओके ब्रो, आखिरी बार कहाँ देखा था आपने? यही देखा यार, जिसको पूछे वो कह रहा इधर गया उधर गया, गया किधर? ऊपर से देखते हाइट से। अच्छा फौजी वाली टेक्निक आज मारा है। हाँ यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है? दिख रहा है।
नहीं मुश्किल लग रहा है मेरे को तो। जैसे यहाँ घूमते रहते हैं रहो। दो घंटे हो गए हाथ खराब हो गई। दो घंटे हो गए करीबन 10 किलोमीटर हम ऊपर नीचे हो लिए पहाड़ों पे, पर घोड़ा नहीं मिल पा रहा। अब एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, फिर पीपल फार्म के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अब दूर के रेस्क्यूज में यही समस्या है। अब देखिए जानवर का एक जगह पे मिलना निश्चित होता नहीं, पर दूर के रेस्क्यूज में समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और पास के रेस्क्यूज छूट जाते हैं। खैर अब वो घोड़ा लिए बगैर तो उन्होंने आना नहीं था, पर अभी एक ट्विस्ट बाकी था। बाहर चढ़ी से एक गाय लेकर आए हैं, उसको वॉर्ड्स का इशू है, काफ़ी ज़्यादा वॉर्ड्स हैं। कब से पता है इसके इशू के बारे में? कम से कम एक महीने से ज़्यादा। लेकिन हमारे पास क्लिनिक में तो जगह नहीं है यहाँ पर, और इसका इशू भी ऐसा है जो फैलता है ना टच से, तो इसको अलग ही रखना था। अभी भी हमारे पास स्पेस तो नहीं बनी है, लेकिन हम हॉस्पिटल जो हमारा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है ना वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं ना इसको। सड़क में ही था जो खेतों में देखा था, मैंने फ़ोन किया था इनको। किसी के पैर टैग है क्योंकि वो होल किया हुआ है टैग का कान में। कुछ कुछ पूरे थाना में बहुत सब तेरा लड़की एकदम चौक कहाँ जाएगी आगे, कहाँ है आगे जाने का, तेरे को कुछ है हिसाब किताब? मत ड्रामे का मैंने पहले बता दिया है, उंगली लगाने दे रही है। चल मैंने बोलो उठाना नहीं है इसको, वो उसके पेटिंग में हम इसके इंजेक्शन जैसे कि एंथेमेलिन लिवामिसोल लगाए हैं हमने, प्लस हम ऑटो हिम थेरेपी भी कर रहे हैं, इसमें खून निकाल के चढ़ाते हैं वो भी कर दिया हमने, प्लस बाकी हम इनको इनको जो वार्ड्स हैं उस पर हम लाइफ स्प्रे कर रहे हैं, और बाकी हम ब्लड टेस्ट के बाद ही कुछ और नया शुरू करेंगे। ये गाय तो जितनी शांत दिख रही थी उतनी ही शरारती निकली, और उधर जिस घोड़े को हमारी टीम बीर में ढूंढ रही थी वो मिल तो गया, पर वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल उलट था। सेल मिल गया? हाँ यार पक्का वही है, दिख तो रहा है कलर तो वही है घोड़ा है, बढ़िया एक्टिव है भाई। साहिल भाई काफी पास है उसके, डाल दो दी रस्सी। गुड बॉय, बेचारा डर रहा है बस आंख भी गई है। चेतक मिलेगा, चाचू मिलेगा। बाश बाश बुग्गे बाश। गाड़ी आई भाई तेरे को इतनी दूर से, सुबह से सनसेट ढूंढ रहे, खाना नहीं खाया उन्होंने टेंशन में। चल चल नहीं मारदा, इसको दिख नहीं रहा इस हाथ से, आप आ जाओगे नहीं दिखेगा। वो खुद ही क्यों चढ़ रहे हैं? रुकना रुकना साहिल, बच करिए जो आगे आ सकता है एक साथ। नहीं नहीं ऐसा मैं रहे साहिल, बेल्ट का क्या हिसाब किताब होता है? ये ताकि जैसे एकदम ब्रेक लगे या फिर ये फिसले वगैरह तो ये इंजर्ड ना हो जाता ना। जाने का साथी आया, साथी देखना चाहेगा? ये किनके साथ रहता था, झुंड था? अकेला 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 ही। चलो जा ओ भाई बैठ लो। देखना नहीं सुकड़ी साकड़ी है ये, बाल बाल की क्या हालत हो रखी है। ये तो मुझे लगता है वर्क पर्पज़ के लिए किसी ने यूज़ किया और अब छोड़ दिया है, क्योंकि आँख में इसकी दिक्कत है, मेलानोसिस कंडीशन है जिसमें कि ब्लैकनेस ब्लैकिशनेस आ जाती कॉर्निया पे, वो है। बाकी वो आईलिड भी थोड़ी सी इसकी पूरी नहीं खुल रही क्योंकि वो वूंड है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्चर आया हुआ है उस एरिया में। जो मीडियल साइड वाली आँख है उस पर ब्लूशनेस मतलब है, क्लाउडीनेस है आई में, तो उसके लिए हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं ऐसा सच लग नहीं रही है। रेस्क्यू के बाद हमारे बच्चे बावड़े हो जाते हैं। मैं भी आ जाऊं।